जब लुटेरों के बीच फंसा बॉलीवुड का विलेन, 10 टांकों के बाद ऐसा हुआ हाल। सन ऑफ सरदार, बोल बच्चन जैसी फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके जीतू वर्मा माउंट आबू के पास जंगल में लुटेरों की चंगुल में फंसे। गुरुवार रात माउंट आबू से मुंबई जाते वक्त वे लुटेरों की चपेट में आए। लुटेरों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उनकी दाहिनी आंख के ऊपर 10 टांके लगे हैं। माउंट आबू से 20 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। जीतू के साथ यह हादसा माउंट आबू पहुंचने से लगभग 20 किलोमीटर पहले हुआ था। वर्मा के एक रिश्तेदार के मुताबिक, जब वे परिवार के साथ देर रात मुंबई लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी गाड़ी पत्थर से टकरा गई। इससे पहले कि कार में बैठे लोग कुछ कर पाते, लुटेरों ने गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। वर्मा ड्राइवर के बगल में बैठे थे, एक पत्थर उनके सिर पर लगा और आंखों के पास गहरी चोट आई। कुओ तातयोन मारक, जीतू के रिश्तेदार ने बताया, उस इलाके के आदिवासी हाईवे में डकैती करते हैं। जैसे ही ड्राइवर को पत्थर लगा, गाड़ी रुकने के बाद उनके लिए यात्रियों को लूटना आसान हो गया। यह हादसा इतने जल्दी हुआ कि वे लोग उन हमलावरों को पहचान नहीं पाए। हम लोगों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया, लेकिन वे लोग भी उस इलाके में जाने से घबराते हैं। हमें जीतू को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाना था, इसलिए केस का फॉलो अप नहीं ले पाए। कुओ तातयोन मारक, अजय संजय के करीबी दोस्त हैं जीतू। बता दें, जीतू वर्मा एक्शन कोरियोग्राफर टीनू वर्मा के भाई और बॉलीवुड में घोड़ों का सप्लाई करने वाले बद्री प्रसाद जय देव वर्मा के बेटे हैं। इस वक्त मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती जीतू, अजय देवगन और संजय दत्त के करीबी दोस्त भी हैं। जीतू ने जय हो, बॉडीगार्ड, नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभाया है। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.